कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर मोहिंदर पुरी ने कारगिल युद्ध पर साझा किए विचार। कारगिल युद्ध दिवस पर पुलवामा में बाइक रैली का किया गया आयोजन। कौशल बुनाई तकनीकों पर 10 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। चलिए शुरुआत करते हैं कारगिल की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर पूर्व भारतीय सेना प्रमुख वीपी मलिक से खास तौर पर बातचीत की गई। इस मौके पर बात करते हुए वीपी मलिक ने कहा कि 25 सालों में काफी बदलाव देखने को मिला, जिसमें हमारी भारतीय सेना की बहादुरी का काफी योगदान रहा, जिस कारण भारत ने पाकिस्तान के मात दी। वीपी मलिक ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जनरल वीपी मलिक इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कारगिल विजय दिवस के 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। भारतीय सेना को इस वक्त आप कहां देखते हैं और उस वक्त ऑपरेशन विजय को आपने लीड किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 25 साल में तो बहुत फर्क आ गया है भारतीय सेना में। उस वक्त कुछ कमजोरियां थी, उसकी वजह से वो लोग अंदर आ गए हमारी। पर भारतीय सेना में एक बात जो हमेशा कायम रही है वो है हमारे जवानों की और हमारे अफसरों की बहादुरी, ठीक है। और उसी की वजह से हम लोग उस वक्त भी हम ऑपरेशन विजय जीत पाए थे और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अभी हालत जो है काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। हमारे हथियार पहले से बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सर्वेलेंस डिवाइसेस बहुत अच्छी हैं, और उसके साथ साथ में ना सिर्फ आर्मी की बट आर्मी नेवी एयरफोर्स तो कैपेबिलिटीज़ जो हैं हमारी बहुत बढ़ गई हैं पहले से। हमारे में अभी ताकत बहुत है और इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन एरिया में पहले कभी सड़कें नहीं थी, अब वो सड़कें बन गई है, उससे हमको लड़ाई करने में और भी आसानी हो जाती है। मैं ये देखता हूँ कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, कुछ और भी होनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी हो जाएगी। सर, 99 वॉर के दौरान आर्मी के साथ साथ सिविलियंस का किस तरह का रोल रहा है? बहुत अच्छा रहा है, दैट आई है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, कि जो यहाँ के सिविलियन थे, चाहे वो द्रास के थे या ले के थे, और मैंने खुद देखा है उस वक़्त कि बीए ग्रेजुएट लड़के वो वॉलंटियर करके आए कि हमको कहीं पर जो भी आपको मदद चाहिए, वो पोर्टर का काम भी करने के लिए आए। सो वी हैड अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन हियर, और इसके साथ साथ में बाकी देश की भी थी, पर यहाँ वाले जो लोग हैं उनके लिए तो मैं उनकी तो बहुत सराहना करता हूँ। मोनिका भंडारी ने कारगिल विजय दिवस और रजत जयंती समारोह के बारे में अपना अनुभव साझा किया। उनके पिता कारगिल युद्ध के दौरान कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए थे। मोनिका ने इस दिवस पर और क्या कुछ कहा, आइए देखिए। मोनिका भंडारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं लमोचन व्यू पॉइंट पे। कारगिल विजय दिवस के मौके पे सेलिब्रेशंस लगातार जारी है और ऑपरेशन विजय के दौरान कई सारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, देश के जांबाज सिपाही हैं, उन्होंने देश के लिए अपना जान निशावर किया है। और मोनिका भंडारी जी के पापा ने भी ऑपरेशन विजय के दौरान देश के लिए अपना जान निशावर किया है। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ऑपरेशन विजय का 25 साल मुकम्मल हुआ है, क्या फील कर रहे हैं? आपका जो पापा है उन्होंने भी इस ऑपरेशन विजय में कारगिल वार में हिस्सा लिया और देश के लिए अपना जान गंवाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है, आई एम सो ब्लेस्ड, बिकॉज मैंने जब 1999 में मेरे पापा शहीद हुए थे उसके एक महीने बाद मेरा जन्म हुआ था, तो मैंने अपने पापा को देखा नहीं था, तो मेरे पास ऐसी कोई मेमोरीज नहीं है कि जो पापा के साथ होती है लोगों की। पर मुझे इतना पता है कि मेरे पापा जहाँ भी है हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि कहीं भी हमें बुलाया जाता है हमें हमारे पापा की वजह से ही बुलाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा हमें घुमा रहे हैं, हमें हर जगह वो लेके जा रहे हैं। तो यही मेमोरीज हैं, और बस मेरे पास ऐसे कोई उनके साथ फोटोज नहीं है कि मैं कभी शेयर कर सकूं किसी के साथ। आज आप द्रास में ही हैं, उसी जगह में आप मौजूद हैं जहाँ पे 99 वार हुआ, और यहाँ से पूरा पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं
बत्रा टॉप है, टाइगर हिल है, तोलोलिंग है, क्या फील करते हैं आप जब आप इन पॉइंट्स को इस व्यू पॉइंट से देखते हैं? मुझे तो जब मैं यहाँ पे आई, मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे, जब मैं आई तो मुझे तो पूरा मतलब मेरे को वो सब कुछ ऐसे फ्लैशबैक में जैसे कि जो चीज़ें असली में हुई है वैसा कुछ लग रहा था कि हाँ वहाँ पे ऐसे पापा ने किया होगा, ये किया, तो वो सब चीज़ें बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए ये चीज़ सोचना, पर बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सब देख के, पहाड़ वादियाँ। मुझे बस मेरा एक छोटा सा मैसेज है पर लोगों के लिए कि जो हमारे जवान हैं वो इन वादियों के लिए ही अपने देश की मिट्टी के लिए इतना लड़ रहे हैं, जो लोग भी देश को गंदा कर रहे हैं उनको इतना सोचना चाहिए कि गंदा करने से पहले ये सोच लो कि जो जवान यहाँ पे अपने सुबह शाम दिन रात बस अपनी मिट्टी के लिए इतनी वो कर रहे हैं तो थोड़ा सोच के अपने देश के लिए वो करें। देशवासियों तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी जैसे उन्होंने कहा था, जाना तो सबने ही है दुनिया से, बस कुछ अच्छा करके जाओ कि ताकि तुम्हारी सिर्फ परिवार या दोस्त ना याद रखे, तुम्हें पूरा देश याद रखे जिससे। तो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मोनिका भंडारी जी बात कर रहे थे और ऑपरेशन विजय के दौरान मोनिका भंडारी जी के पापा ने देश के लिए जान निछावर किया है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज, ऑपरेशन विजय का 25 साल मुकम्मल हुआ है, रजत जयंती बड़े पैमाने पर करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लद्दाख की शान और वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन ताशी शफेल कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए लामोचार व्यू पॉइंट पहुंचे। कैप्टन ताशी से इस दिवस पर बात करते हुए पूरे देश को बधाई दी और साथ ही कारगिल युद्ध पर रोशनी डाली। आइए सुनते हैं कैप्टन ताशी शफेल ने और क्या कुछ कहा। लद्दाख की शान, कारगिल वार के हीरो, वीर चक्र कैप्टन ताशी शफेल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती के मौके पे। इस अहम इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए लमोचन व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती के मौके पे मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, क्या फील कर रहे हैं आप? कारगिल ऑपरेशन विजय के 25 साल मुकम्मल हुए हैं और 99 वार के दौरान आप भी भारत के दूसरे सेना के साथ पोस्ट पे थे, अहम हाइट्स पे थे, जिन हाइट्स पे पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की उनको भगाया है आपने। तो मैं पूरा देशवासियों को सिल्वर जुबली अवसर पर विजय दिवस का बहुत बहुत मुबारक पेश करना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है आज से 25 साल पहले जो कारगिल वार हुआ था तकरीबन 3 महीना चला, ये सोचे समझे पाकिस्तान के लोग आके जो हमारे चोटियों में आके बैठ गया वो निकल के खसड़ना बहुत मुश्किल था। फिर भी इंडियन फोर्स ने उस सारा जहाँ जहाँ आया हुआ था सारा से उसको भगाया और मार गिराया, आप सभी को मालूम है। इसलिए मैं सबसे पहले सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत सिल्वर जुबली अवसर पर मुबारकबाद पेश करें। उस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आप कहाँ पे थे, आपका पोस्टिंग कहाँ पे था और उस वक्त जो है किस पॉइंट पे आप पाकिस्तान के घुसपैठियों के साथ, दुश्मनों के साथ आप लड़ रहे थे? मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगा, मैं 4 अटैक में था, एक 5203 पे अटैक में था और एक LOC में अटैक में था, एक 5000 पे था और डॉक हिल में अटैक में था। लास्ट मेरा डॉक हिल में अटैक हुआ, मेरा साल 20 जवान अटैक में था, मैं अटैक कमांडर था। वहाँ जाना बहुत कठिन था, पूरा बड़ी हैंगिंग था, हमने रोप फिक्स करते हुए गया, मेरा साथ एक हवलदार दोरजे हानू के हैं, हम दोनों आपस में ग्रिप हाथ ग्रिप करते करते ऊपर चढ़ा और 2 रोप लिया हुआ था, मैं रोप नीचे फिक्स करके बाकी जवान रोप से आया तो ऊपर जाके हम लोग उजाला होते होते आमने सामने गौतम बुद्ध का लड़ाई हो गया। सुबह उजाले में तकरीबन 3-4 घंटा हुआ, हमने पाकिस्तान का वहाँ 5 जवान मार गिरा, सिपाही हुना शाह को जिंदा पकड़ा, तो मेरा साथ भी बहुत उस वक्त अफसोस हुआ, मेरा 5 जवान शहीद हुआ उधर, 20 में से 5 जवान शहीद हुआ। तो हमने ये कसम खाया कि इनको कैसे भी भगाएंगे, क्योंकि हमारा 30 जून को अटैक किया था तो हमारा एक जवान शहीद हुआ, उसका डेड बॉडी भी उठाना नहीं दिया। तो हमने 5 जुलाई को फिर अटैक के लिए निकला, 6 जुलाई को हमारा अटैक सक्सेस हुआ डॉक हिल पे, मेरे को 2 गोली लगा, कब लगा ये भी पता नहीं चला, जब
दुश्मन बकने के बाद चलना शुरू किया तो मेरा बूट में खून आया हुआ था, खून कच्ची का जा रहा था, तब जाके दर्द हुआ। हमारे पीछे नर्सिंग असिस्टेंट भी था, उसने मर्फी इंजेक्शन लगाया और टाइम और डेट लिखा दिया, मथे पे चिपका दिया, वो ख़त्म हो गया। हमने बकते हुए दुश्मन को खुद का यूएमजी हमने तीन यूएमजी वहाँ पे था उसको घुमा के उसी के बेल्ट लगा हुआ था अमुनिशन, उसी से हमने उनको मार भगाया। कैप्टन मनोज पांडे के भाई मनमोहन पटेल ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर गुलिस्तान न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें पटेल जी ने शहीद जवानों के साहस की प्रशंसा करते हुए अपने भाव शेयर किए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना था उनका। हमारे साथ कैप्टन मनोज पांडे के ब्रदर भाई मनमोहन पटेल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर, कारगिल विजय दिवस के साल 25th एनिवर्सरी है यानी रजत जयंती है, क्या आप फील कर रहे हैं चूंकि कैप्टन मनोज पांडे ने देश के लिए अपना जान निछावर किया है? इस कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। उनका पराक्रम याद आता है, उनका साहस याद आता है, जिन चोटियों पे उन्होंने फतेह हासिल करी वो आज भी हमको याद आता है। और हमेशा शहीदों के प्रति जिस तरह से हम नतमस्तक होते हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा के भाव रहते हैं, वो यहाँ पहुँच करके एक बार दोबारा याद आते हैं। और फिर एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि कोई ये हिम्मत ना करे कि हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देखे, क्योंकि यहाँ न मनोज पांडे की कमी आज भी नहीं है, भारतीय सेना में मनोज पांडे भरे हुए हैं। उस वक्त की क्या मेमोरीज है सर, मनोज पांडे किस तरह की एक पर्सनैलिटी थे? वो एक बहुत खुश और बहुत हैप्पी पर्सनैलिटी थे, वो बच्चों में बच्चा बन जाते थे और बहुत मिलनसार उनकी पर्सनैलिटी थी, सबसे बात करते थे, सबसे मिलना चाहते थे। ही वॉज अ वेरी हैप्पी मैन। आर्ट माउंटेन डिवीजन के पूर्व जीओसी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी ने हाल ही में कारगिल युद्ध और ऑपरेशन विजय से अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने रणनीतिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला और भारतीय सैनिकों की बहादुरी की सराहना की। पुरी की अंतर्दृष्टि सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करते हुए संघर्ष में नेतृत्व और नवाचार के महत्व को रेखांकित करती है। इस वक्त हमारे साथ मोहिंदर पुरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। 99 वॉर के दौरान 8 माउंटेन डिवीजन के जीओसी थे। सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्रैंड सेलिब्रेशन दिखाई दे रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप? बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ा इमोशनल इवेंट होता है ये रजत जयंती है और 25 साल एक बड़े माइलस्टोन सेलिब्रेशन है ये। और आपने इवेंट को देखा है, अभी एक घंटे से आपने डेढ़ घंटे में देखा कितना इमोशनल एनवायरनमेंट था और सब श्रद्धांजलि देने आए हैं यहाँ पे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ। आपने देखे उनके बाल बच्चे आके किस तरीके से बोले हैं, तो ये अच्छा लगता है कि देशभक्ति है मुल्क में, अच्छे इंसान है। सर, क्या कुछ बड़ा चीज़ था जिस बेसिस पे ऑपरेशन विजय को देश के सेना ने जहाँबाजी के साथ कामयाब किया और देश का तिरंगा उन ऊंचे ऊंचे चोटियों पे ले रहा है? देखिए, ये तो हमारा डिसिप्लिन है, हमारे युवा जो थे, यंग ऑफिसर्स, जवान जेसीओस, उनका ब्रेवरी, बहादुरी, करेज, डिटर्मिनेशन, यही जो चीज़ें हैं जो हमको जो हमारे को सफलता दिए जिसने, और इसी कारण हम ये सफलता प्राप्त कर चुके कर सके क्योंकि इनकी बहादुरी जो थी वो बड़ी अमल प्रकार की थी। सर, देश के सेना की जाबाजी यकीनन हिस्ट्री में लिखा जाता है और 99 वॉर के दौरान सेना के साथ साथ चूंकि आप 8 माउंटेन डीव का जीओसी थे, पूरे कारगिल को आप देख रहे थे, तो लोकल्स का क्या रोल रहा, खासकर कारगिल के लोगों का, सिविलियंस का? बड़ा अच्छा था रोल, उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी, हमारे साथ साथ रहे, वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चले। और बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पे भी हमने उनकी सहायता मांगी वो बड़े वॉलंटियर करके हमारे साथ उन्होंने मदद करी। सर, देशवासियों को रजत जयंती के मौके पे किस तरह के पैगाम आप पहुँचाना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि देशवासियों को एक अच्छा डिसिप्लिन सोसाइटी होनी चाहिए जो देश की भावना को हमेशा ऊपर रखें और अच्छे इंसान बने, अच्छे सिटीजन बने कि देश उन्नति कर सके, प्रोग्रेस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे
चलो तो खास बात कर रहे थे 99 वॉर के बारे में, ऑपरेशन विजय के बारे में, महेंद्र पुरी जो कि 99 वॉर के दौरान, ऑपरेशन विजय के दौरान 8 माउंटेन डिवीजन के जीओसी रहे हैं। उन्होंने, उनकी जुबानें आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की 99 वॉर के दौरान देश के सेना ने किस तरह की मानोबल के साथ दुश्मनों को अपने जगह वापस किया और देश का तिरंगा उन ऊंची ऊंची चोटियों पे लहराया, चाहे वो तोलोलिंग हो, टाइगर हिल हो, बत्रा टॉप हो और बटालिक सेक्टर में जो टॉप्स हैं, और साथ ही साथ सिविलियन का किस तरह का रोल रहा है, खासकर 99 वार के दौरान ऑपरेशन विजय को कामयाब बनाने के लिए। जनरल बिपिन मलिक और मोहिंदर पुरी दोनों ने कहा कि सिविलियंस का, करगिल के लोगों का, लद्दाख के लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। सेना के शाना बशाना हर वक्त जो है इस जंग को लोकल्स ने भी लड़ा है और ये जीत जो है ऑपरेशन विजय जो है वो प्राप्त किया है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज, मुसा तुमेली और मुजम्मिल जमील के साथ मोहम्मद शाह। कार विजेता परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर गुलिस्तान न्यूज से विशेष बातचीत की। कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यादव ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी और समर्पण पर प्रकाश डालते हुए ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन टाइगर हिल के अपने अनुभव को साझा किया। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के मौके पे वार वेटरन्स, वार हीरोज जो हैं शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं परमवीर चक्र योगेंद्र यादव। सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? करगिल विजय दिवस के 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस साल रजत जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूर्ण हुए हैं। रजत जयंती समारोह सेना और पूरा देश मना रहा, ये हमारे लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और ये वो सब पहाड़ियां हैं, वो पत्थर हैं जहां पर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय, इतिहास लिखा। और ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए फक्र की बात होती है कि ऐसे दुर्गम इलाकों के ऊपर जहां पर जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होता है, वहां पर जीत दर्ज करी। ये हिंदुस्तान की फौज की ट्रेनिंग, लीडरशिप, जोश, जुनून और जज्बा ही था कि -20 डिग्री टेम्परेचरों में भी जवान बढ़ते चले गए, लड़ते चले गए और अपने लहू की बूंदों को इन पहाड़ियों पर गिराते चले गए और अपने एक जीत का एक नया अध्याय जोड़ते हुए। ऑपरेशन विजय के दौरान जो दुश्मन थे घुसपैठ करके, वो टॉप पे थे, आप लोग नीचे से स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रहे, तो क्या उस वक्त की जो है आप लोगों की प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी और क्या मन में चल रहा था? बिल्कुल, क्योंकि दुश्मन ऊपर था तो उसके पास पूरा एडवांटेज था, दूर तक देख सकता था, तो अपनी मूवमेंट को छुपाना भी था। और अपनी मूवमेंट को छुपाने का एक ही जरिया था कि रात का समय लिया जाए, रात का सहारा लिया जाए। तो रात के समय चलते थे, दिन भर बड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों से, पत्थरों से नीचे नीचे बहुत कम चला जाता था, बट हौसले बहुत जो है बुलंद थे और उन्हीं बुलंद हौसलों की बदौलत ये फौज चढ़ी। ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी पैर नहीं डगमगाए। और ये इस देश की मिट्टी का ही जुनून है जो हिंदुस्तान की फौज एक नया मुकाम हासिल करती है। सर, क्या मैसेज आप रजत जयंती के मौके पे देशवासियों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी यंगेस्ट हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड लेने वाले में से हैं? बिल्कुल, ये देश और देश के युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी कारगिल के इस क्षेत्र में आए, देखें कि हमारी फौज, हमारे भाई, हमारे बेटों ने किस तरह से उस जीत को मुकम्मल किया। और ये धाम है और ये फौज का एक ऐसा तीरथ है जहां पर आने पर हर एक इंसान के सर नतमस्तक होता है, गर्व फील होता है। और फौज ही एक ऐसी संस्था है जो हर एक नौजवान को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी है सेना, तो आप जरूर सेना को ज्वाइन करें और इस देश का मान और सम्मान को बढ़ाएं। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।